सारण की जमीन पर लालू प्रसाद यादव की बिटिया के लिए शहजादी जैसे ही स्वागत का इंतजाम किया गया था। ताबड़तोड़ फूलों की बारिश करवाकर ये बताया जा रहा था कि सारण की सीट पर लालू यादव की विरासत को संभालने उनकी दुलारी रोहिणी आचार्य आ चुकी हैं। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से चुनाव लड़ने के लिए बिहार पहुंची हैं और ये उनके चुनाव प्रचार की पहली तस्वीर है। पहली तस्वीर इसलिए क्योंकि इससे पहले रोहिणी आचार्य ने न तो कभी चुनाव लड़ा है और न ही कभी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य की पॉलिटिकल पारी का डेब्यू हो रहा है। दो अप्रैल यानी मंगलवार को रोहिणी ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, लेकिन चुनाव प्रचार शुरू करने से ठीक एक दिन पहले रोहिणी आचार्य अपने माता पिता और बहन मीसा भारती के साथ हरिहरनाथ मंदिर में माथा टेकने पहुंची थी। बाबा हरिहरनाथ विश्व का एकमात्र ऐसा शिवालय है जहां शिव और विष्णु एक ही गर्भगृह में विराजमान है और एक ही गर्भ में विराजे दोनों देव एक साथ हरिहर कहलाते हैं। सोमवार को हरिहर धाम में आशीर्वाद लेने के बाद मंगलवार सुबह ये तस्वीर सामने आई। चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले रोहिणी ने भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वो चुनावी समर के लिए रवाना हो गई। अभी हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम अपनी जनता के बीच। कल बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद मिला, माँ बाप का आशीर्वाद मिला, मेरी सास ससुर सबका आशीर्वाद मिला। अब जा रहे हैं अब हम जनता के बीच, तो फिर आप लोग वहीं पे मिलेंगे। चलिए आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए अपनी बहन बेटी को। पूरे रास्ते जनता उनकी गाड़ी के पीछे भागती रही। सारण की सड़कों पर भीड़ ऐसी थी कि पुलिस वालों को उसे काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। दो दो क्रेन लगाकर रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश करवाने का इंतजाम किया गया था। रोहिणी भी इस स्वागत और जन समर्थन को देखकर अभिभूत नजर आ रही थी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया। ये तस्वीर देखिए, जब उनसे बात करने के लिए न्यूज एजेंसी का माइक नहीं पहुंच पा रहा था तो वो खुद हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेती हैं और एक नेता की तरह सारण की जनता के सामने भावुक बयान देती हैं। मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। रोहिणी पिता की बात कर रही है। दरअसल सारण वो लोकसभा सीट है जहाँ से पहली बार लालू प्रसाद यादव सांसद बने थे। 1977 में सीट का नाम छपरा था। पहली बार लालू छपरा से लोकसभा पहुँचे थे। 1990 में जब लालू सीएम बने उस वक्त भी वो छपरा से ही सांसद थे, लेकिन मौजूदा वक्त में इस सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं और रोहिणी आचार्य को इस सीट से उतारकर आरजेडी बीजेपी से सीट छीनने का दावा कर रही है। आप देखिएगा अभी आसमान में उड़ने वाले लोग आसमान में ही रह जाएंगे, उनको क्या पता कि धरातल में क्या। हम लोग का सम्मान रहता है, जो भी विभूति है। हम लोग चुनाव नहीं देखते कि चुनाव आया तो कर्पूरी खा
ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई। आज अगर कोई उनका समर्पण है तो लालू यादव जी का है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर सारण में विकास की बात होगी तो लालू यादव की बात होगी। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने दो बेटा दो बेटी को तो उतार दिया, हमारी पांच बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। 2009 में लालू यादव सारण से आखिरी बार चुनाव जीते थे। चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लालू ने 2014 में सीट से राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को चुनाव में हरा दिया था। 2019 में भी लालू के समधी चंद्रिका राय इस सीट से हार गए थे। एनडीए का प्रत्याशी हूं, देश के प्रधानमंत्री ने मुझे वहां से मौका दिया है। दूसरा कि मैं पहले भी लालू यादव जी के खिलाफ लड़ चुका हूं और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी के खिलाफ लड़ चुका हूं, उनसे भी जीत चुका हूं या वो मुझसे हार चुकी हैं। उनके समधी से मैं लड़ चुका हूं, मैं जीत चुका हूं। बाकी आगे का जो भी फैसला है जनता करेगी और हम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग एक साधारण सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, जिसका मौका फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बना के दिया है। मेरे लिए वो चुनौती नहीं, वो मेरे अभिभावक हैं। मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दे। ये वही बेटी है जो भाजपा वाले अपने भगवान से लड़ते थे कि भगवान आपने मुझे रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं दिया। और अब बेटी रोहिणी आचार्य के जरिए लालू प्रसाद अपनी खोई हुई सीट को दोबारा हासिल करने का दांव चल रहे हैं। माहौल देख करके तो लग रहा है कि हम अपने मायके आ गए। मुझे इतना खुशी मिल रहा है, इतना प्यार, लोग इतना अपनापन है, सारण की जनता मुझे दे रही है, मैं बहुत खुश हूँ। ना मुझे लगा नहीं था, लेकिन हाँ, मेरे पिताजी का इतना अच्छा काम जो सारण में मेरे पिताजी ने जो काम किया है वही जनता के बीच में आज भी उनके बाद किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झांसा दिया, सिर्फ